अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को यह अधिकार है कि जिसको वह चाहे डाक द्वारा मत भेज सके। ऐसा तो नहीं है कि सभी मत किसी एक अधिकारी के सामने ही इकट्ठा करके भेजे जाते हैं। जहाँ तक इस बिल का संबंध है, वह ठीक है, वह प्रारंभ में ही आना चाहिए था और मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करता हूँ कि इस बिल को पास कर दिया जाए। खेती में उन्नति न होने का कारण क्या है? उसका एक कारण यह है कि खेती से संबंधित जितने विभाग हैं उनमें आपस में समन्वय नहीं है। खेती के लिए अच्छी खाद की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, औजारों की आवश्यकता है और धन की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग विभाग हैं। मालूम ऐसा पड़ता है कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वे आपस में मिलकर कोई योजना नहीं बनाते जिससे खेती की आवश्यकताएं पूरी होती। इसलिए जब तक उनमें आपस में तालमेल नहीं होगा तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती है। दूसरा कारण यह है कि योजना की बिल्कुल कमी है। इसके अलावा कृषि कॉलेजों से निकले हुए जो स्नातक होते हैं, जो खेती की बातों को जानते हैं, उनमें से एक भी आदमी खेती करने के लिए तैयार नहीं है। सभी प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हैं, खेती के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, अधिक उपज न होने का एक कारण है कि जो खेत में काम करते हैं वे उसके मालिक नहीं हैं। खेत किसी और का और काम कोई और कर रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि किसानों में जब तक यह भावना पैदा नहीं होगी कि वह मेरी भूमि है, तब तक अधिक उपज नहीं हो सकती है। इसके लिए आप जब तक भूमि सुधार नहीं करेंगे तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। दुर्भाग्य से इस देश में खेती करने वाले बहुत कम लोग ही भूमि के स्वामी हैं। खेती की उन्नति के मूल आधार हैं पानी, खाद, बीज, धन, उपज का उचित दाम और भूमि सुधार। इन सब की ओर कृषि मंत्रालय का ध्यान नहीं है। सरकार को प्रत्येक खेत को पानी और हर आदमी को काम देना सुनिश्चित करना चाहिए।